हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो रैली निकाली थी वो पूर्व वाटिका से लेकर अंबेडकर चौक तक निकाली थी। इस यात्रा के दौरान जो खरखोदा के टिकटार्थी हैं कांग्रेस के, उनमें जयवीर MLA सबसे एक नंबर पे हैं और उसके अलावा भी करीब 10-12 कैंडिडेट टिकट की चाह रखते हैं और उन्होंने पूरी ताकत दिखाते हुए दल बल और समर्थन के साथ तख्तियां लिखे, बैनर लिखे, साइन बोर्डों के साथ रैली इस जन यात्रा में पहुंचे थे और कई जगह पर साइन बोर्ड लगाने को लेकर आपस में तनाव भी हुआ। अंबेडकर चौक के पीछे साइन बोर्ड लगाने के दौरान ही आपस में कार्यकर्ता उलझ गए और पुलिस भी बुलानी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ मनमुटाव भी लगातार सामने आ रहा है। हर कोई अपने कैंडिडेट को ज़्यादा दिखाना चाह रहा था, इसी चक्कर में इस तरह के मामले भी सामने आए। हालांकि एक नेता का आरोप है कि उसके द्वारा जो लगाया गया गेट था उसे दूसरे कार्यकर्ताओं ने जला भी दिया और उसके साइन बोर्डों को भी उखाड़ फेंका। एक कार्यकर्ता लगातार इस बात की रट के नारे लगाता रहा कि इस बार मौजूदा विधायक जयवीर को टिकट ना दी जाए। कई बार कहने के बाद भी दीपेंद्र ने उसे रोक दिया था, लेकिन वो फिर भी नहीं माना, तो आखिर में दीपेंद्र हुड्डा ने उसे झटका दिया। हल्ला होने के बाद भी जो कार्यकर्ता थे अपने नेता के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे थे और साइन बोर्ड या तख्तियां लिखे बैनर दिखा रहे थे। हालांकि दीपेंद्र को भी इस बारे में कहना पड़ा और ये भी कहा कि अब ये मत दिखाओ, अब सुनो, और जो काफिला है वो उनके पीछे चलेगा, लेकिन उनकी भी नहीं मानी और काफिला दीपेंद्र से आगे भी कई टिकटार्थी के जो अपने आप को मानते हैं कि इस बार टिकट मिल जाएगी वो आगे चलते हुए भी दिखाई दिए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मेमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।